सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग सभी दोस्तों का, सभी ऑडियंस का वेलकम है जी आज के इस अमेजिंग वेबिनार में और एक ई लर्निंग के एक्सपीरियंस में। तो आई होप आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। ऑडियो, वीडियो एंड प्रेजेंटेशन तीनों चीजें परफेक्टली आपको दिख रही है। तो अगर आपको सब सही दिख रहा है देन जस्ट टाइप ऑल सेट इन योर कॉमेंट सेक्शन। स्पैम कर दो यार, ऑल सेट स्पैम कर दो, जस्ट टाइप ऑल सेट। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस। सो ऑल सेट है जी। दोस्तों मेरा नाम कुंवर सिंह बेनीपाल है एंड आई बिलोंग टू टीम 564। वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड देयर लाइफ। ठीक है जी। सो इस कोट के साथ हम इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं, इस सिलेक्शन मीटिंग को या फिर इस सेशन को, जो भी आपको बोलकर बुलाया गया है। ठीक है जी। माई नेम इज कुंवर सिंह बेनीपाल एंड आई एम द होस्ट ऑफ टूडेज मीटिंग, आपका होस्ट भी और आपका दोस्त भी। ठीक है जी, होस्ट टेक्निकली और दोस्त दिल से। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। आपके सोशल मीडिया पार्टनर्स ने या फिर आपके दोस्तों ने या फिर आप किसी एड को देखकर मे बी इस वेबिनार में आए होंगे, तो किसी भी मीडियम से आपको इस वेबिनार का लिंक मिला है। ठीक है जी। सो उन्होंने आपको काफी सारी होप्स दी होंगी, काफी सारी चीजें गाइड की होंगी, आपको बताया होगा कि आज हम एक ऑनलाइन बिजनेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, आज हम वर्क फ्रॉम होम के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने घर बैठ के एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया को यूज करके, राइट। और इस पेंडेमिक में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं दोस्तों, आप बताइए आप कौन सी चूज करोगे। या तो आप कोरोना खत्म होने की वेट कर लो या फिर आज डिजिटल हो जाओ, क्योंकि 95% ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस और जॉब्स जो हैं वो बूम में जा रहे हैं और जो ऑफलाइन है वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आ गए। ठीक है जी। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लोग आज डिजिटल हो जाइए या फिर कोविड खत्म होने की वेट कर लीजिए। वेट तो पिछले 1.5 साल से कर ही रहे हैं। क्या आप अभी भी वेट ही करना चाहोगे या फिर डिजिटल होना चाहोगे, एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दो। यस, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, बीइंग डिजिटल और स्टिल वेटिंग? यस, ऑल राइट ऑल राइट, डिजिटल होना चाहेंगे। डिजिटल के लिए डी टाइप कर दीजिए, पूरा डिजिटल लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी इतनी मेहनत मत कीजिए अभी। ओके जी, ओके ओके, ऑप्शन 1 डिजिटल। ठीक है जी, तो डिजिटल हम होना चाहते हैं। कोविड की रिंगटोन भी यही बोल रही है कि घर पे रहो, बाहर मत निकलो, घर से काम करो, ये करो वो करो। अब घर से काम हर कोई करना चाहता है, बट वी आर नॉट क्लियर कि करें क्या। हम रेडी हैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए हमारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं। तो डायरेक्शन देने का काम करेगा आज का ये सेशन। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉमिस करूंगा कि जितनी उम्मीद लेके आप इस सेशन में आए हो उससे 10 गुना ज्यादा लेकर जाओगे। ठीक है जी। लेकिन एक प्रॉमिस आज आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। एक तो आप थोड़ा सा इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कीजिए कि मेरा डॉग थोड़ी बहुत आवाज करता रहेगा अगर आपको बीच में आ रही है वॉइस। ठीक है जी। तो आपको पता ही है जितने बंदे घर पे डॉग रखते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। एंड सेकेंड थिंग, आप डिस्टर्बेंस से थोड़ा दूर होके बैठिए। डिस्टर्बेंस मीन्स उससे आपके फोन पे कोई नोटिफिकेशन आ सकती है ना, नोटिफिकेशन आ सकती है किसी गाने की, किसी सिंगर का गाना आ गया, कैरी मिनाटी की वीडियो आ गई, कुछ भी चीज आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप अपने फोन को DND पे लगा दीजिए, साइलेंट मोड पे लगा दीजिए, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा जितना सोच के आए हो 10 गुना ज्यादा आपको देकर भेजेंगे। ठीक है जी। सो उससे भी पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज क्या मैं आपको कुछ गाइड करने के काबिल हूं भी या नहीं, क्योंकि टाइम इज मनी। आप अपना 40 to 50 मिनट्स आप मुझे देंगे, क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ आपका टाइम लेना? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया भाई, मैंने कौन सा तीर मार लिया कि आप लोग मुझे टाइम देंगे? सो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को। थर्ड टाइम आई एम टेलिंग, माई नेम इज कुंवर सिंह बेनीपाल, आई बिलोंग टू रॉयल सिटी पटियाला पंजाब एंड बाय प्रोफेशन दोस्तों एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। मेरी सारी फैमिली इंजीनियर्स की है, ग्रैंडफादर भी, फादर भी, एंड उसके बाद अच्छा अगर आप चाहते हो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं, जस्ट टाइप GFT, गो फॉर इट, नहीं तो हम सीधा टॉपिक पे भी आ जाते हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए मेरी इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं, जस्ट टाइप GFT, गो फॉर इट। ओके ओके ओके। सो सभी लोगों ने GFT लिखा है मोस्टली, तो मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो बाय प्रोफेशन दोस्तों सिविल इंजीनियर हूँ, सारी फैमिली इंजीनियर्स की है। तो मैं अकेला हूं जिसने कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोचा अपनी स्टडी के। अगर आप लाइफ में वही करते रहो
तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला। एम आई राइट? एम आई राइट? है ना, अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करा तो वही मिलेगा जो आज तक मिला। एक सिंपल सा फैक्ट है, आज तक मिला क्या, एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। ठीक है जी, क्या बात है, जय किशन भी इंजीनियर है, बहुत से इंजीनियर इस मीटिंग में। तो दोस्तों फैक्ट क्या जाता है, किस चीज ने मुझे ट्रिगर किया कि मैं कुछ और करूं, क्योंकि आप लोगों को भी किसी ना किसी चीज ने ट्रिगर किया होगा, इसीलिए आप इस वेबिनार में आए हैं, है ना। मुझे किस चीज ने ट्रिगर किया, किस स्टडी के बाद जो जॉब मिलती है ना, बेसिकली वो जॉब 10,000, 12,000, 15,000 इससे ज्यादा नहीं मिल पाती, है ना। तो द पॉइंट इज, हमारे पंजाब में जो डेली वेज का रेट है ना, जो डेली लेबर रेट है, लेबर जो बंदा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है वो एक दिन का 500 रुपए कमा लेता है और एक महीने का 15,000 कमा लेता है। अब आप बताओ यार, अगर एक लेबर 15,000 महीने का कमा सकता है तो क्या आपकी कॉन्शियस, आपका जमीर ग्रेजुएट होके 10,000 की जॉब करने के लिए आपकी इजाजत देगा? क्या आपका मन करेगा 10,000 की जॉब करने के लिए ग्रेजुएट होने के बाद, कि एक लेबर भी 15,000 अर्न कर पा रहा है? विल योर कॉन्शियस अलाउ, यस और नो? नो, सभी लोग नो बोल रहे हैं। तो मेरी कॉन्शियस नहीं, भी अलाउ नहीं किया, बट ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे आपको आज एक ऑप्शन मिला, मुझे 3 साल पहले बुलाया गया एक होम मीटिंग में। आप जूम मीटिंग में आए हो, मैं होम मीटिंग में गया था। तो होम मीटिंग में मैंने और बहुत से सक्सेसफुल लोग दिखे मुझे गाइड करने वाले। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मुझे बोल रहा है मैं अपने सीक्रेट्स आपको बताऊंगा, वरना बताते जी कोई? आप अपने शहर में जितने बिजनेस पर्सन हैं उनसे जाके पूछो कि आपने कैसे स्टार्टअप किया, मुझे थोड़ा ब्लूप्रिंट दे दो। कोई देगा? नहीं देगा। बट यहाँ पे मुझे मेंटोरशिप मिली, सक्सेसफुल लोगों की गाइडेंस मिली, इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने स्टार्ट किया। और ठीक 8 से 10 मंथ की मेहनत के साथ, ठीक है जी। अच्छा, वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस में प्रॉब्लम है, ब्रेकेज है। इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, वॉइस क्लियर है? ओके ओके, ऑल सेट, वॉइस क्लियर है। तो जिन लोगों को वॉइस की दिक्कत है, तो आप अपने अपलाइंस को, जिन्होंने लिंक दिया, आप उनको, उनके साथ कोरिलेट, उनके साथ कनेक्ट कर लीजिए, राइट। तो कहां थे हम? यस तो दोस्तों 8 से 10 मंथ की मेहनत के साथ मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया, जो कि यहाँ का फाउंडेशन हाईएस्ट लेवल माना जाता है, ठीक है जी। तो यस, तो मैं मैनेजर बन गया, और मैनेजर बनने के बाद पर मंथ इनकम इस टाइम पे 1 लाख रुपीज से प्लस मैं पर मंथ अर्न कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके अलावा बहुत बड़ी टीम है, 200 से 250 लोगों का ग्रुप क्रिएट कर चुका हूँ, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आज रिस्पेक्ट भी मिली, रिकग्निशन भी मिली, मनचाही इनकम भी मिली, उसके अलावा मतलब कि कार प्लान वगैरह, घूमना फिरना, फॉरेन ट्रिप से छोटी मोटी चीजें, सब कुछ मिला। जो चीज का आप ड्रीम लोगे वो मैं अचीव कर चुका हूँ जस्ट एट द एज ऑफ 22। स्टार्ट किया था 19 साल की एज में, है ना। अब मुद्दे की बात ये है, क्या आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि यार 19 साल का लड़का ऐसे कौन से काम में पड़ गया कि एक साल में इतना बड़ा यू टर्न आ गया? क्योंकि 20 की एज में आई वॉज सक्सेसफुल, 19 में स्टार्ट किया था, 20 की एज में आई वॉज सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो? Yes, excitement है, ये excitement का business है। This is not a 9-to-5 boring job or a boring webinar, है ना? ये कोई audit नहीं चल रही corporate sector की, है ना? ये excitement का business है। तो क्या आप excited हैं जाने के लिए? क्या बात है जी, सभी excited हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, what is there for you in this meeting? आपका purpose क्या है? Work from home जाना, online work देखना और successful होना। 30 minutes लिखे, लेकिन mood पे depend करता है, थोड़ी सी लंबी भी जा सकती है session, ठीक है जी, लेकिन आप enjoy करेंगे काफी ज्यादा। तो वेलकम है आपका टीम फायर 64 में, राइट। तो एक करियर बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये एक ऐसा ग्रुप है, आप इसके ऊपर ब्लॉग्स रीड कर सकते हो, गूगल के ऊपर बड़े लोगों ने ब्लॉग्स लिख रखे हैं कि ये एक यंगस्टर की सोसाइटी है जहां पे 90% यूथ काम कर रहा है, और यूथ ने बहुत कम टाइम पे बहुत बड़ी ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स की है, ठीक है जी। किस तरह की अचीवमेंट्स? अब अचीवमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अचीवमेंट दिखा रहा हूँ लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है जी। अपना हॉल ऑफ फेम दिखाने जा रहा हूँ, जो लोग सक्सेसफुल हैं आज किस लेवल पर बैठे हैं। तो ये जो पिक्चर्स में जो लोग आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मैनेजर्स हैं, यंग एज में 6 figure इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। प्लस एक 64 का मतलब बता देता हूँ, आप सोचोगे यार टीम फायर तो सर सोच लिया, टीम का नाम होगा, अच्छा नाम है। 64 क्या है? 64 इज आर सिग्नेचर, हमारे ग्रुप का सिग्नेचर है। जितना भी यूथ यहाँ पे अपने कमाई से, अपनी अर्निंग से अपनी कार लेता है, वो कार का नंबर 64 रखते हैं हम। ये हमारी एक लीगेसी बनी हुई है ना। तो आप सारी कार्स का नंबर देख सकते हो, 6400, 6402, ठीक है जी, 0064। तो आप देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 300, 350 से ज्यादा लोग हैं 64 नंबर कार्स ड्राइव करने वाले,
तो ये सारा का सारा यूथ है, एंड सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियों ने भी बाजी मारी है. गर्ल्स आर ऑल्सो ड्राइविंग देयर 6-4 नंबर टूल्स, ठीक है जी, टूल्स कह सकते हैं, टॉयज कह सकते हैं, है ना. ये वो लोग हैं जिनको बिजनेस में 1 से लेके 3-4 साल हुए, ठीक है जी, मतलब ये पोटेंशियल है, 1 से 3-4 साल में इतना हम अर्न कर सकते हैं कि ऐसा लाइफ स्टाइल हो जाए. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लोग जिनको 6 से 7 साल हो चुके हैं. तो 6 से 7 साल की पोटेंशियल क्या है, ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने नंबर देख सकते हो, हर जगह पे 6-4 है. स्क्रीनशॉट लेके आप आरसी ऐप पे सर्च भी कर सकते हो, सेकंड हैंड नहीं है जी, किराए वाली भी नहीं है, फर्स्ट ओनर है, ठीक है जी. मैं कार्स का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज यू ऑल विल थिंक दैट आई एम बीइंग मटेरियलिस्टिक और सुपरफिशियल, ठीक है जी. तो ये मटेरियलिस्टिक बात नहीं कर रहे, जस्ट पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, है ना. जैसे आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं ना आईएएस की कोचिंग लेने, जेडब्ल्यू की, तो वो अपनी अचीवमेंट कैसे दिखाते हैं, इस बंदे का ऑल इंडिया रैंक 1 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया. तो भाई बिजनेसमैन तो अपनी अचीवमेंट अपने एसेट से ही दिखाएगा ना, तो हम अपने एसेट दिखा रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अब मुद्दे की बात ये है, करना क्या है ये तो 10 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन करना क्यों है ये आप अभी के अभी कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए. वॉट इज योर वाई, आप क्यों आए हैं इस मीटिंग में, आपका एक रीजन बताइए. आपके स्क्रीन पे लिस्ट भी लगी हुई है, इनमें से चूज करके बता सकते हो कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है. बेटर हेल्थ, न्यू कार, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या आप ट्रेवल करने के शौकीन है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आए हैं, मनी के लिए आए हैं, लाइफ स्टाइल लेने आए हैं, या फिर सोशल सिक्योरिटी के लिए आए हैं, जिसको हम पेंशन बोल देते हैं, जो कि बंद है लगभग सारे कामों में. कुछ गिनी चुनी कुछ जॉब्स में पेंशन आ चुकी है, अदरवाइज नहीं. अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड सपोर्ट आवर फैमिली, ओके वेरी गुड. फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी, मनी, सेल्फ डेवलपमेंट, वो तो बहुत हो जाएगा जी, इस वेबिनार में बड़ा पता चल जाएगा सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में. बाकी आगे आगे देखिए क्या होता है. क्या बात है जी, क्या बात है. तो सभी बड़े एम्बिशियस हैं, सभी अपना अपना रीजन बता रहे हैं. ऑल मत लिखना कोई कि सब कुछ चाहिए, चाहिए सब कुछ, लेकिन वो बताओ जो सबसे जरूरी चाहिए आपके लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है. ओके ओके ओके. तो दोस्तों जो कुछ भी आपने चूज किया है, इसको लेने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारा बिजनेस ही ऑप्शन है, और भी ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. पहली ऑप्शन है जे फॉर जॉब. आप जॉब कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को और अपने टाइम को किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दीजिए, उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है जी. कोई लेवरेज नहीं है, जब तक काम होगा तब तक पैसा आएगा, काम बन तो पैसा बन, ठीक है जी. और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ज्वाइन अदर्स बिजनेस, ठीक है जी. और जॉब सेक्टर को मैं बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन सिंपल सा फैक्ट है, हम मानते थे कि जॉब सिक्योर होती है, लेकिन कोविड के बाद ये भ्रम हमारा टूट गया कि सिक्योर होती है, क्योंकि कितने लोगों की चली भी गई है. और दूसरी बात कि जॉब में फिक्स सैलरी मिल जाती है, कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि कोविड के बाद 95% जॉब्स इंसेंटिव बेस्ड यानी कि टारगेट बेस्ड हो गई है. अगर टारगेट इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं करेंगे तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने देखेंगे, अदरवाइज निकाल देंगे. हाउ मेनी पीपल अग्री टू दिस, यस, कितने लोग एग्री करते हैं, यस, ऑलमोस्ट ज्यादातर जॉब्स इंसेंटिव बेस्ड टारगेट बेस्ड हो गई है ना. तो वैसे फिर भी फील्ड अच्छी है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन है आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना. अगर आपके पास 15-20 लाख रुपए पड़ा है, आप अपना सलून खोल सकते हो, कोई शोरूम खोल सकते हो, आप एक डॉक्टर हो अपना क्लिनिक खोल सकते हो, उस पर ज्यादा पैसे लग जाते हैं, या फिर आप अपना सलून या फिर कुछ बुटीक कुछ करना चाहते हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओगे. अपना काम खुद करना, अपनी जॉब खुद करना, आप खुद के मालिक होगे, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा होगा. लेकिन प्रॉब्लम यहां भी वही है, जब तक ना दुकान का शटर खुला है तब तक पैसा आएगा, शटर बंद होगा तो पैसा बंद हो जाएगा, लेवरेज नहीं है, लेकिन फील्ड अच्छी है, कर सकते हो. तीसरी ऑप्शन है इन्वेस्टर. आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, अगर आपके पास करोड़ों रुपए पड़ा है तो आप इन्वेस्टर बन जाइए, आप शेयर्स में पैसा लगाइए. क्रिप्टो तो मैं सुजेस्ट नहीं करूंगा, आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, अगर आपके पास सरप्लस एक्स्ट्रा मनी पड़ी है तो. चौथी ऑप्शन है दोस्तों बिजनेस ओनर. अब ये वो स्कीमी और दिमागी बंदा है जो 100 लोगों को हायर करता है, 100 लोग इसके लिए 8 घंटे काम करते हैं और खुद का काम 800 घंटे हो जाता है. ट्रस्ट मी गाइस, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा कि 24 घंटे से ज्यादा भी काम हो जाता है एक दिन में, ऐसे होता है. क्या कभी पहले सुना था, यस और नो टाइप करके बताइए. कि यार 8 घंटे सुना था, पार्ट टाइम करके 12 घंटे भी सुना था, ओवरटाइम करके 16 घंटे भी सुना है. भाई 24 घंटे से ज्यादा भी काम होता है, एक बिजनेसमैन अपने टाइम को ऐसे लेवरेज करता है, ठीक है जी. 100 बंदों को 8 घंटे काम करवाया, खुद का काम 800 घंटे हो गया. इसको बोलते हैं टाइम लेवरेज करना. जिन्होंने सुना बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना उनके लिए नहीं बात है. मुद्दे की बात क्या है, 95% लोग लेफ्ट साइड पर हैं
और 5% पैसे के लिए लड़ रहे हैं। राइट साइड पे सिर्फ 5% लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा इंजॉय कर रहे हैं। अब आप कहां पर आना चाहते हैं ये आप मुझे बताइए, राइट पे आना चाहते हैं या लेफ्ट पर ही रहना है, ये आपकी चॉइस है। सारे नहीं आ सकते राइट पे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, सारे तो आ ही नहीं सकते, सारे नहीं आ सकते, कोई कोई ही आएगा। अब आप देख लो कि आप कोई कोई में से हो, आप स्पेशल हो या फिर आप मतलब कॉमन पीपल में ही आ रहे हो, आपके आज के डिसीजन से पता चलेगा। राइट पे आना चाहते हैं, राइट पे आना आज हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट हर 20 साल बाद बढ़ती है। ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो हर 20 साल बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है मंथली रिक्वायरमेंट और महंगाई। 2000 में 10,000 से घर चल जाता था, लेकिन आज कम से कम 1,00,000 रुपए चाहिए पूरी फैमिली को रन करने के लिए। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो 2021 के एंड तक भी महीने का 1,00,000 दे दे? है जी, अगर नहीं है तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूं और मैं आपको प्रिपेयर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक राइट अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी का नाम है जी फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर लिविंग एक अमेरिकन ब्रांड है जिसके साथ हमने टीम फायर ने टाइप कर रखा है। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी कभी फॉरएवर के बारे में सुना हो। कितने लोगों ने सुना है एक बार मी टाइप करके बता दो। जिन लोगों ने सुना है और वो सोचते हैं कि हमने तो पहले सुना हुआ है, अब हमें दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है, तो भाई मैं आप एक ही बात आपको बोलूंगा, आने वाले सिर्फ 30 सेकंड इस सेशन को अटेंड करके देख लो। अगर आपको लगा 30 सेकंड के बाद कि वैल्यू है तो पूरा सुनना, नहीं तो आप लीव कर देना। सिर्फ 30 सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे स्कोप है कि नहीं है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड। आपको पता है जी कोविड की वजह से कितने ज्यादा कॉलेजेस का नुकसान हो गया है, कितने ज्यादा बैंक्स का नुकसान हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही, ठीक है जी। गवर्नमेंट बेसिक पेपर लेकर आ रही है, हर सेक्टर का बुरा हाल हो रखा है, ठीक है जी। यस बैंक कितना बड़ा बैंक था, वो मर्ज हो गया, उसके 55-51% शेयर जो है वो SBI ने खरीदे हैं। इतने बड़े बड़े बैंक दिवालिए हो रहे हैं। ऐसे टाइम में भी दोस्तों फॉरएवर लिविंग ने इसी मई मंथ में 73 लाख रुपया डोनेट किया है PM केयर फंड में। क्लियर है जी, PM केयर फंड में 73 लाख रुपया चैरिटी कर दिया। अब चैरिटी वो करता है जिसका खुद का पेट भरा हुआ है, ठीक है जी। अपना पेट काट के कोई चैरिटी नहीं करता, जिसका खुद का काम पूरा टॉप पे चल रहा है ना, वो दूसरे की हेल्प करता है, वो हमेशा ऐसा चैरिटी दान पुण्य करना वो ऐसा काम करता है ना। तो आप मुझे बताइए यार, जो कंपनी जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं, जो कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को PM केयर फंड में 73 लाख रुपए सिर्फ चैरिटी कर सकती है, जहां से कोई प्रॉफिट नहीं है, है ना, वो अपनी दिल की संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है। 73 लाख जो कंपनी चैरिटी कर सकती है, तो जो लोग आपके और मेरे जैसे एसोसिएट होंगे उनके लिए क्या क्या करेगी, क्या उनका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है? अब येस और नो टाइप करके बताइए, है जी। 73-73 लाख चैरिटी करने वाली कंपनी में जो लोग एसोसिएट्स हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा? ब्राइट होगा, बढ़िया होगा। यस यस यस, क्या बात है जी, क्या बात है। जिनको नो लग रहा है वो जा सकते हैं, उनके लिए सेशन नहीं है, है ना। बट आगे बढ़िए, अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं इसके बारे में कि ये इंडस्ट्री क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, DNM का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको 3 काम करने के पैसे मिलते हैं। No. 1 इज बींग एन एडवाइजर, No. 2 रिक्रूटमेंट, No. 3 पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ तीनों क्या होते हैं। एडवाइजर वो काम है जो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इस काम में बहुत तेज हैं, सलाह देने में हम लोग शेर हैं जी पूरे। आपको कोई मूवी अच्छी लगती है, कोई आपको कपड़े अच्छे लगते हैं, कोई आपको रेस्टोरेंट अच्छा लगता है, आप उसको अपने नियर एंड डियर के साथ प्रमोट करते हो कि नहीं करते, उनको सजेस्ट करते हो कि नहीं करते। नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख के अगर आपको अच्छी लगती है, आप प्रमोट करते हो कि नहीं करते? करते हैं ना। पर उस प्रमोशन पे क्या नेटफ्लिक्स आपको पैसे देता है या मैकडोनल्ड आपको पैसे भेजता है? है जी, आपको आपको भेजते हैं जी पैसे? नहीं भेजते ना। तो आप फ्री में प्रमोशन कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली एज ए सेटिस्फाइड कस्टमर कितनी कंपनीज का प्रमोशन कर देते हो लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते। कितने लोगों का प्रोडक्ट सर्विस आप प्रमोट कर रहे हो पर आपको कुछ नहीं मिल रहा, उनका फायदा हो रहा है। तो फॉरएवर लिविंग में अगर आप प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, इनको शेयर करेंगे, तो आपको इस चीज का पैसा मिलेगा, उसी काम को जो आप पहले करते थे। क्लियर है जी, इसमें कुछ नया नहीं है, इजी। सेकंड काम है जी यहाँ पे रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होती है, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा मजेदार काम है रिक्रूटमेंट। अब जैसे कि बिजनेस कभी अकेले नहीं चलता, बिजनेस में लोगों का ग्रुप लाना भी जरूरी है,
हम लोगों को रखेंगे काम पे, लोगों का नेटवर्क बनाएंगे तभी काम चलेगा ना। अब ये अमेजोन, अमूल और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां नेटवर्क कैसे बनाती हैं? लोगों को सैलरी देके, है ना। अमेजोन ने 10,000 बंदे को सैलरी दी और उनको अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिया, पर मंथ उनको सैलरी दी और वो उनके नेटवर्क का हिस्सा बन गए। पर आप 10,000 छोड़ो, 10 बंदों को सैलरी दे सकते हो? बताना जी जरा कमेंट सेक्शन में कि आपके पॉकेट में इतने पैसे हैं 10 बंदों को 10,000 सैलरी दे सको आप हर महीने लगातार, सारी उम्र लगातार, और इंक्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा पर एनम 10% दे देंगे जी सैलरी? नहीं दे सकते ना। तो जो लोग सैलरी देके नेटवर्क नहीं बना सकते उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को सिर्फ एडवाइस देके नेटवर्क बनाना है। क्लियर है जी? सिर्फ एक बिजनेस आइडिया शेयर करके नेटवर्क बनाना है। तो उनको देने के लिए आपको सैलरी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ स्किल्स चाहिए, आपको कुछ सीखने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज होगी तो आप आइडिया शेयर करेंगे, जिसको आइडिया अच्छा लगेगा वो आपके नेटवर्क का पार्ट बनेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो सत श्री अकाल जी। क्लियर है जी? तो कैसा लगा जी आपको ये कॉन्सेप्ट? भाई सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन देने के लिए सलाह तो है ना, एडवाइस तो है ना, अब आपके बताने के तरीके पे डिपेंड करता है। हाँ जी, सही लगा जी सबको? सो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस। आपके लिए 100 बंदा, 200, 150, 500 बंदा काम कर रहा है, लेकिन आप उनकी सैलरी नहीं दे रहे, आपने जस्ट उनकी हेल्प की, इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ के साथ। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा काम है जी यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट। जब आपका नेटवर्क बन गया, उस नेटवर्क को आपको ध्यान भी रखना है कि भाई आप तो कमा रहे हो, वो कमा रहे हैं कि नहीं। जब आपने उनको कमाना शुरू करवा दिया, जब वो अर्न करने लग गए उनको सिखा के, नॉलेज देके, तो वो पीपल मैनेजमेंट होगी। बहुत बड़ा स्किल है पीपल मैनेजमेंट। तो उस चीज का आप यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हो, जो कि मैं कमा रहा हूँ और मेरे कलीग्स कमा रहे हैं, जो कि इस मीटिंग में कुछ मौजूद भी है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडस्ट्री है। 70 लाख से ज्यादा लोग एसोसिएट है इंडिया में, 13,000 करोड़ की टर्नओवर है, 2,500 करोड़ खाली टैक्स पे कर रहे हैं मेरे जैसे और लोग जो इस बिजनेस में है। ठीक है जी, और उसके अलावा इसको सिर्फ मैं ही प्रमोट नहीं कर रहा, आईएएस ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत सर, ठीक है जी, जो कि इस टाइम पे नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग आपको पता है जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ये प्रमोट करते हैं कि अगर आपको देश का इकोनॉमी बचाना है, अगर आपको इकोनॉमी बचानी है, तो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करो या फिर डायरेक्ट सेलिंग को करो। ठीक है जी, उसके अलावा टोनी रॉबिन्स हो गए, उसके अलावा रिचर्ड ब्रेंसन हो गए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हर बंदा प्रमोट कर रहा है। अदरवाइज आप आरटीआई डलवा के आप खुद भी चेक करवा सकते हो, और मैं आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। ये इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इस इंडस्ट्री को लेके। ठीक है जी, एक एक चीज वेरीफाई कर लो, एक एक चीज जेन्युइन है, कुछ भी फेक नहीं है। क्लियर है जी? क्योंकि मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ दोस्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो सकता है कोई पुलिस डिपार्टमेंट से हो, अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो फंस जाएंगे। वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज माय वॉइस क्लियर? यस, वॉइस सही आ रही है जी सब दोस्तों को? ओके ओके, सबको सही आ रही है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जान लेते हैं फॉरएवर लिविंग के बारे में कि ये कंपनी क्या है। ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये सब डाटा तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इससे रिलेटेड आपको बाद में वीडियोस भी शेयर कर देंगे, आप कंपनी को और स्टडी कर सकते हो। लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, कंपनी की शुरुआत मिस्टर रेक्स मॉर्गन ने की थी, लेट मिस्टर रेक्स मॉर्गन, हमारे लिए भगवान का रूप है। आपको आज नहीं समझ आएगा, लेकिन आगे जाके आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इंसान है क्या। इन्होंने फॉरएवर की शुरुआत की थी आज से 43 ईयर्स पहले, और इसको स्टार्ट करने के लिए 25 साल रिसर्च की है ना। तो 43 और 25 कितने बने भाई? मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, कोई बताएगा? 43 और 25 कितना, कितने साल बन गए? अच्छा, मैथ सबका मेरे जैसा है यहाँ पे, 68 है ना। तो एक इंसान अपने 68 इयर्स अगर एक प्रोजेक्ट पे लगा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो जेन्युइन नहीं होगा? क्या 68 इयर्स कोई बंदा कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करने के लिए लगाएगा? 68 इयर्स इस इंसान ने इस प्लेटफॉर्म को दिए, और इसकी बदौलत मेरे जैसा 22 साल का लड़का चौड़ा होकर बोलता है कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करके देखिए कि कितनी बड़ी देन है रेक्स सर की। ठीक है जी, ही इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल, है ना। तो पिछले 3-4 दिन पहले सर की मतलब डेथ हो चुकी है। ठीक है जी, लेकिन आज भी हमारे अंदर जिंदा है, तो इनकी सोच आगे मैं आपको पोर्ट्रे करूंगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो फॉरएवर 43 इयर्स पुरानी कंपनी है, और 167 कंट्रीज में ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है जी, 167 कंट्रीज से भी ज्यादा,
तो इतना ज्यादा फॉरएवर का होल्ड है जी, बहुत बड़ा। यूएसए बेस्ड एमएनसी है और वर्क कर रही है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में कोई डाउट की तो बात ही नहीं है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम पे एक हेल्थ ही एकमात्र बिजनेस है जिसमें कभी डाउनफॉल नहीं आता। हेल्थ का बिजनेस कभी डाउन जा सकता है? आप बताओ यार, मैं नहीं बता रहा। हेल्थ का बिजनेस कभी डाउन जा सकता है? बता रहे हैं जी क्या करना है, पहले बता भी दिया क्या करना, आगे भी बताएंगे क्या करना। हेल्थ का बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जा सकता, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी, उम्र कम होगी, भगवान करे आपके घर वालों की उम्र बढ़े, ठीक है, लेकिन बीमारी बढ़ रही है, उम्र कम हो रही है, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हेल्थ का बिजनेस और ऊपर जा रहा है। तो फॉरएवर लिविंग हेल्थ में डील करती है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 4,000 ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी, इंडिया, मलेशिया, यूके, पोलैंड, जापान। तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स ज्यादातर कंपनी की खुद की खरीदी हुई है, और प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जस्ट इतना बताऊंगा कि बिना किसी टीवी की एड से 9 मिलियन से हम लोग 3 बिलियन तक पहुंच गए, ठीक है जी, 9 मिलियन से 3 बिलियन तक पहुंच गए बिना टीवी की एड के। तो आप बताओ यार, प्रोडक्ट में पावर होगी या नहीं होगी? हमारे फॉरएवर के टूथपेस्ट को लेके ना प्रियंका चोपड़ा छत फाड़ के आके नहीं बोल रही कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, बिना ऐसी मैन्युपुलेटिव एड्स के भी टर्नओवर 9 मिलियन से 3 बिलियन तक आ चुकी है। तो आप बताइए जी, दम होगा या नहीं होगा, है जी? और 9 मिलियन से 3 बिलियन तक शायद आप लोगों के ज्वाइन करने से पहले पहुंच गई। अब 3 बिलियन से 6 बिलियन भी होगा, अब आपके साथ होना चाहिए या आपके बिना होना चाहिए, ये आप डिसाइड करो। क्लियर है जी? तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इतनी बेस्ट है कि जो डॉक्टर्स नोबल प्राइज विनर है, दो दो बार नोबल प्राइज भाई खाला जी का बड़ा होता है, छोटी मोटी चीज होती है, आप खुद सोचो, डबल डबल नोबल प्राइज विनर जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फेरिड मुराद, ये डॉक्टर्स हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉरएवर ने हायर कर रखे हैं ये बंदे, ठीक है जी। तो क्लास वन प्रोडक्ट्स हैं और क्लास वन कैटेगरी का न्यूट्रिशन है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि साबुन तेल वाला बिजनेस नहीं है, ठीक है जी। और आगे आप देख सकते हो क्वालिटी सर्टिफाइड है। अब आगे बिजनेस प्लान क्या है, करना क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में बिजनेस शुरू करने के लिए कितना कितना तेल निकलता है बंदे का। स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर। मान लीजिए, मैं तो वही पुरानी एग्जांपल दूंगा भाई, क्योंकि इतने ज्यादा एग्जांपल मेरे पास नहीं है। माउंटेन ड्यू की फैक्ट्री है या कोका कोला की फैक्ट्री है, उसने मैन्युफैक्चर कर दिया, कोका कोला बना दिया। अब वो क्या वो कस्टमर को खुद दे के आ रहा है, क्या वो आपके घर पे रिश्तेदारों को खुद ग्लास में डाल के दे रहा है? नहीं, वो पहले देगा जी डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन से होते हैं, नेशनल अलग होता है, स्टेट वाला अलग होता है, रीजनल अलग होता है, और उसके बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है दुकानदार, फिर होती है टीवी पे एड, उसको देख के हम लोग दुकानदार से जाके खरीदते हैं। तो 70% पैसा आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने में लग गया, यानी कि मार्केटिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में लग गया, सिर्फ 30% पैसा कोका कोला कंपनी के पास गया। अब उसमें से 15% उन्होंने, 10-15 खुद भी तो रखा होगा, सिर्फ 15% कॉस्ट में वो प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, आप खुद ही सोच लीजिए, समझ रहे हो, क्या क्वालिटी होगी भाई उसकी, है ना। तो 70% पैसा बीच वाले लोगों को, मीडिया और सेलिब्रिटीज को बंट गया इतना पैसा, ठीक है जी। और कितनी एड्स आपको जेन्युइन लगती है, क्या आपको एड जेन्युइन लगती है कोई टीवी की एड? इज इट पॉसिबल कि आप एक परफ्यूम लगा के निकलेंगे और आपको चारों तरफ से आके लड़कियां आ जाएंगी जी आपके पास परफ्यूम लगा के एक्स वाला? इज इट पॉसिबल कि सेलो पेन से लिखते लिखते आपको प्यार हो जाएगा, है जी? इज इट पॉसिबल आप माउंटेन ड्यू पी के पहाड़ से छलांग लगा दोगे? मैं कहता हूँ जी पहाड़ छोड़ो, आप अपने घर की छत से लगा के दिखा दो, मैं आपको फ्री में दूंगा ड्यू, नहीं ना। तो ये मैन्युपुलेट किया जाता है, पप्पू बनाया जाता है, मैन्युपुलेटिव एड्स, जो चीज बिकती नहीं है उसको जबरदस्ती बिकवाया जा रहा है। क्लियर है जी? तो ये सारी चीजें हैं। हम अपने फेवरेट एक्टर की फोटो देखते हैं जी, अब तो कोका कोला दिलजीत दोसांझ वाला आ गया, अब ले लो जाके। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं, है ना। लेकिन फॉरएवर में क्या होता है, जो पैसा मीडिया की पॉकेट में जाना था, ये आपके और हमारी पॉकेट में आता है। ये मैन टू मैन नेटवर्क है, ये मीडिया और सेलिब्रिटीज का नेटवर्क नहीं है, मैन टू मैन नेटवर्क है। यहाँ पे फॉरएवर ने प्रोडक्ट्स बनाए, बना के आपको दिए, आपके चैनल के थ्रू कस्टमर्स को गए, तो 70% पैसा आपको मिला। क्लियर है जी? ये 70% पैसा आपके पॉकेट में आया, क्योंकि असली प्रमोशन तो हम करते हैं ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? तो ये फंडा है इस बिजनेस का। तो अब बताइए कितने लोगों को इंटरेस्टेड लगा कि यस, दिस इज समथिंग जो कि फेयर है, ऊपर जो सिस्टम चल रहा है वो अनफेयर है, दिस इज फेयर।
हाँ जी, इज दिस फेयर? सही है, आप अपना फीडबैक दीजिए ना, अगर बुरा लगा तो बोलो बेकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सही है जी, ओके ओके। तब इसको स्टार्ट कैसे करना है? जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है तो आप उसको कांटेक्ट कीजिए ये मीटिंग ओवर होने के बाद। अभी मुख्य यानी अभी पढ़ा है अभी काफी है ना, आपको बहुत ज्यादा आगे सरप्राइज मिलने वाला है, आप थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए, आगे आपको सरप्राइज मिलेगा। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट कैसे करना है? जिस इंसान ने आपको वेबिनार का लिंक दिया है आप उसको कांटेक्ट कीजिए, जिसने जिसको मैंने लिंक दिया वो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका देता, तो वो आपको उनको आप बताइए कि आपको एज ए कस्टमर स्टार्टअप करना है या बिजनेस एसोसिएट बनना है। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर कस्टमर बनना है तो आप 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, पहले समझ लेना प्रोडक्ट का फायदा क्या है, सीधे ही मत ऑर्डर कर लेना। ठीक है जी, अगर आप बिजनेस एसोसिएट बनना चाहते हो तो आप उसको कॉल करके बताओ मुझे आज की नॉलेज बहुत अच्छी लगी, मुझे 4-5 दिन का ट्रायल दीजिए, मुझे इसके बारे में और जानना है। तो वो आपको ग्रुप्स में ऐड करेंगे, आपको गाइड करेंगे फोन पे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, एक एक डाउट क्लियर करेंगे, प्लस आपको 3 से 4 दिन का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे बिल्कुल फ्री में। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 7 बजे है, आप अगर आज ही रजिस्टर कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आपको 7 बजे वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाएगा, हाउ टू किक स्टार्ट बिजनेस, बड़ा मजेदार सेशन है वो, आपको मिलेगा 7 बजे। ठीक है जी, तो आप उसका पार्ट बन सकते हो एंड उसके बाद फिर आपका ये काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेन टॉपिक ही बता रहा हूँ जी, यही तो मेन टॉपिक है कि आपको करना क्या है, आपको उनको कॉन्टेक्ट करना है, दे विल एड यू टू द ग्रुप, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस एंड देन इवेंचुअली यू कैन स्टार्ट इट। क्लियर है जी, तो स्पैमिंग मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है जी, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप उस अकॉर्डिंग बात कीजिए। तो आगे चलते हैं, जब आप डिसाइड कर लोगे नॉलेज लेने के बाद, जब आप डिसाइड कर लोगे उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आपको सीसीज में काम कैसे करना है। अब यहाँ पे दोस्तों सारा बिजनेस सीसी में होता है, जैसे हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, ऐसे ही फॉरएवर की करेंसी सीसी है, जिसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। 1000 पॉइंट्स का एक सीसी बनता है, यानी कि हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे दिए, एलोवेरा को 102 पॉइंट दे दिए, ओमेगा 3 को 143 पॉइंट दे दिए, टूथ जेल को 34 पॉइंट दे दिए, यानी प्राइस के अकॉर्डिंग पॉइंट दे दिए है ना। तो इसी तरीके से अगर करेंसी में बात करें तो 1 सीसी की वैल्यू 17,000 है, 2 सीसी की वैल्यू 34,000 है। अब आप सोचो अगर हम इतनी बड़ी करेंसी में काम करेंगे तो प्रॉफिट कितना बड़ा होगा है ना, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, करेंसी भी बड़ी है प्रॉफिट्स भी बड़े हैं। तो 2 सीसी के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वन शॉट भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी कर सकते हैं नॉलेज लेके। तो आप 2 सीसी के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, ठीक है जी, कुछ टर्नओवर करने के बाद, और आपको हर प्रोडक्ट 35% डिस्काउंट पे मिलने लग जाएगा, और आपको हमारी तरफ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक पीपल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको फ्री में सिखाई जाएंगी। तो आपको सिखाया जाएगा क्लाइंट्स कैसे आते हैं, आपको ग्राहक कैसे मिलेंगे। आपको 2 तरह के क्लाइंट मिलेंगे, एक तो वो जो सिर्फ प्रोडक्ट कस्टमर बनना चाहते हैं उनमें से भी आपका प्रॉफिट, दूसरे वो जो आपके बिजनेस एसोसिएट भी बनना चाहते हैं उनमें से आपका लाइफ टाइम प्रॉफिट। समझ आ गया जी, दोनों में से प्रॉफिट होगा, जो बिजनेस करने आएगा उससे भी प्रॉफिट, जो प्रोडक्ट कस्टमर बनेगा उससे भी प्रॉफिट। वो आएंगे कैसे वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही जब आपके बिजनेस एसोसिएट आपके साथ आ जाएंगे, आपका नेटवर्क बन जाएगा जो आपने बिना सैलरी दिए बनाया, एडवाइस देके, नॉलेज लेके बनाया, तो जब नेटवर्क बढ़ेगा तो आपके सीसी भी बढ़ेंगे, उनके सीसी भी आपके सीसी में काउंट होंगे, तो आप सुपरवाइजर बनोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और 120 सीसी पे आप लोग मैनेजर बन जाओगे, और मैनेजर की जो पर मंथ इनकम होती है 50-60 हज़ार मिनिमम होती है, और आगे जाके 1 लाख को क्रॉस कर सकता है एक मैनेजर। फुल टाइम मेहनत करेंगे तो 1 लाख प्लस इनकम हम 6 से 8 महीने में क्रॉस कर सकते हैं, बाकी अगर पार्ट टाइम करेंगे तो 12 से 18 महीने भी लग सकते हैं, है ना। तो आप बताइए इतनी इनकम सफिशियंट है जी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए? यस, 1 लाख रुपया लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने के लिए सफिशियंट है, और वो भी अपने टाइम और अपने स्किल्स लेके। अगर हम यहां तक पहुंच रहे हैं तो कितने लोगों ने आपकी फैमिली में आज तक यह किया होगा? आप पहले होंगे। क्लियर है जी, आप पहले होंगे। यस, आदित्य बोल रहे हैं सफिशियंट नहीं है। अगर सफिशियंट नहीं है तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा 8-8 लाख कमाने वाले लोग भी हैं, करोड़ करोड़ कमाने वाले भी, ठीक है जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आगे आपको और इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट है कार प्लान। आपको कार बाय करने के लिए कंपनी अलग से ईएमआई देती है, जैसे कि 26,000 रुपीज पर मंथ हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर बाइंग आर कार। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको कार ईएमआई बना लो, चाहे आप अपना हाउस लोन बनवा लो, चाहे आप उसको सेव कर लो, अगर आप कंजूस हैं आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे यूज करोगे। इसका नाम कार प्लान है लेकिन इसको यूज कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी कार प्लान के थ्रू कैसी कैसी गाड़ियां रखी हैं ये आप लोगों के सामने है, क्योंकि
क्योंकि कार प्लान की ईएमआई लेवल के साथ बढ़ती भी है। पहले 26,000 मिलता है, उसके बाद फिर 39,000 मिलता है, और लास्ट में 52,000 मिलता है। तो ये 52,000 वाले लेवल से ये कार्स आ रखी हैं। ओंकार सर ने अपना बीएमडब्ल्यू बाई की है, पीबीसी 64 नंबर। उसके बाद जसप्रीत सर है, ठीक है जी, खरड़ से बिलोंग करते हैं, 0064 330i बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद विशाल सोटी सर है, गुरिंदर सर है, नवनीत सर है ना। तो आप एक ही चीज चेक कर सकते हो, ये सारी कार प्लान के थ्रू आई हुई कार्स हैं, ठीक है जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वर्ल्ड ट्रेवल करने का मौका मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मत सोचना मैं आपको बोल रहा हूँ बस फॉरएवर ज्वाइन कर लो ये सब मिल जाएगा, इट्स नॉट इजी बट इट इज वर्थ, मेहनत करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेवल करने का मौका मिलता है, जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप मुझे और मेरे कलीग्स को मिला, ठीक है जी। इसके अलावा आपको फॉरेन के टूर, साल में दो बार इंटरनेशनल ट्रिप और एक बार रीजनल ट्रिप आपको मिलता है। और सबसे बढ़िया इनकम होती है यहाँ पे चेयरमैन बोनस, जो एक चेक में हमारी कोठी डल सकती है, एक चेक में हमारा बहुत बड़ा घर बन सकता है, उसको चेयरमैन बोनस बोलते हैं। ये सबका ड्रीम होता है फॉरएवर में आके, आपका आज नहीं है लेकिन आगे जाके बन जाएगा, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है चेयरमैन बोनस क्या है। कंपनी की जितनी साल की दोस्तों टर्नओवर होती है ना, उसका 3% पार्ट कंपनी अपने टॉप वाले लोगों को बांटती है जो क्वालिफाई करते हैं। और किसको कितना कितना मिलता है, मेरे सीनियर मिस्टर मनदीप कंबोज रिलायंस से जॉब क्विट करके फॉरएवर में आए, 2008 में 1.25 लाख की जॉब पर मंथ रिलायंस में कर रहे थे एज एन आरएम, रीजनल मैनेजर हेड, बहुत बड़ी पोस्ट है। पीसीटी से एमबीए पास आउट है, टॉप 10 इंस्टीट्यूट में से एक है पीसीटी, वहां से पास आउट होके रिलायंस में, रिलायंस इंडस्ट्री में आरएम होना और 25 लाख का एनुअल पैकेज लेना बहुत बड़ी बात है। उसको छोड़ के फॉरएवर में आगे सिंगल चेक कितने का जी, आप देखो $1,44,000 का। मैन्युपुलेशन नहीं है, रिजल्ट्स हैं आपके सामने, 84 लाख बनते हैं ये रुपीज में कन्वर्ट करोगे, ठीक है जी। उसके बाद इनके भी सीनियर मिसेस जेन लीच, ठीक है जी, $1 मिलियन का पे आउट, कितना बन गया आप खुद कैलकुलेट करते रहना जी, ठीक है जी। और सब इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है मिस्टर रॉल्फ केप, ठीक है जी, अब इनके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, $1.5 मिलियन के भी पे आउट्स हैं, खुद के प्राइवेट जेट्स भी हैं। नाम सर्च कर लेना गूगल पे, रॉल्फ केप, पता चल जाएगा बंदे ने कहां से स्टार्ट किया था, आज कहां पे पहुंच गया, और शुरू आप ही की तरह किया था, और किया था 2G के टाइम पे, आज तो 4G 5G भी आने वाला है ना। तो अब ये आपके लिए है या नहीं है, मुद्दे की बात ही है कि विल इट वर्क फॉर मी, यार मैं तो कॉमर्स वाला बच्चा हूं, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूं, मैं बिजनेस कैसे करूंगी, मैं तो ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं कैसे टाइम निकालूंगा, मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं कैसे काम करूंगी। कब चेक करो किस किस कैटेगरी के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बेकरी के ओनर भी फॉरएवर में सक्सेसफुल है, नर्स और थेरेपिस्ट भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, क्लीनिंग कंपनी के मालिक भी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर ओलिवर लेपकी सर है ना, वेब डिजाइनर है। और इंडिया की बात करें, रिलायंस के आरएम रीजनल मैनेजर, रीजनल के स्पेलिंग गलत है, पार्डन मी फॉर दैट, तो मनदीप कंबोज सर रिलायंस से जॉब क्विट करके आए हैं, आज 8 से लेकर 10 लाख रुपए मंथली अर्न करते हैं। ओंकार सर सोरिंग मैनेजर है, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे, आज फॉरएवर में 4-5, लास्ट पे आउट 7 लाख है। पंकज गुप्ता सर गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब, वो भी स्टेट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब, इंस्पेक्टर थे कस्टम्स में, तो आज फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर हैं, ठीक है जी, और 5 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं। ज्योति कात्री मैम है, फैशन डिजाइनर थे, जगतार सर हैं, फार्मर थे, उसके अलावा चलो ये तो मेरे ही नाम है, इसको मैं क्या ही लूं, कुंवर सिंह बेनीपाल, मैं स्टूडेंट था, आपको बता ही चुका हूं, ठीक है जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा अपने सीनियर मिस्टर जगतार सिंह के साथ, जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, जिन्होंने मुझे गाइड किया यहाँ तक आने पे, पल पल पे वो मुझे सपोर्ट किया, ठीक है जी। मेरे जैसे सर की टीम में 30 से प्लस मैनेजर है, ठीक है जी, कहते हैं ना कि तेरे जैसे 36 देखे हैं, तो मेरे जैसे सर की टीम में 36 है जो लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप इनको सुनिए, जस्ट आपको 5 मिनट का टाइम ही दे पाएंगे, बिकॉज ज्यादा मतलब इनका स्केड्यूल भी टाइट रहता है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, हजारों लोग हैं इनकी टीम में, मेरे जैसे 30 से ज्यादा मैनेजर्स हैं। तो जो इंसान मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी भी कर सकता है। सो लास्ट 5 मिनट्स में सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और आपको थोड़ा सा कॉल टू एक्शन देंगे कि आप आगे आपको क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं, ठीक है जी। तो जगतार सर मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, सो आप प्लीज अपना कैमरा माइक ऑन कर लीजिए, एंड पीपल आर वेटिंग फॉर यू, सो आप प्लीज सबको आके मिलिए एंड इनको बेस्ट विशेस दीजिए और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर दीजिए। यस सर, आप होस्ट हैं सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग कुबर सर,
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं जी सभी? आई होप आप सभी को मेरी आवाज, हाँ जी कुंवर जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर सर, लेदर क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच कुंवर सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और जितने भी नए दोस्त हैं, मैं सभी को बोलना चाहूंगा, दोस्तों सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उसी में मेरा आपको नमस्कार है दोस्तों, ठीक है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा नाम जगतार सिंह है और मैंने आज से 4.5 साल पहले इस वंडरफुल कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। और थोड़ा सा मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने करना क्या है, कैसे कैसे करना, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। हाँ जी दोस्तों, आपको प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही होगी। दोस्तों नाम जगतार सिंह है और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और मैं इस टाइम इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस 4-4.5 साल का है, 4.5 साल का है दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और मैं भी आपकी तरह एक टाइम पे मैंने भी स्टडी की है, मैं भी स्टूडेंट था, और ये स्टडी टाइम की पिक्चर है मेरी, और ये एंटरप्रेन्योर बनने के बाद की है। कभी सोचा नहीं था लाइफ में भी कभी एंटरप्रेन्योर भी बनूंगा, और कभी ऐसे खुद की गाड़ी बाय करूंगा, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड करूंगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर हम सोच अच्छी रखेंगे और एक्शन अच्छे लेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। दोस्तों वैसा ही हुआ, मैंने सितंबर 2016 में फॉरएवर को स्टार्ट किया, और ये मेरा फर्स्ट पे आउट है जी 7,698 रुपए का, और ये मेरा 2 साल बाद का पे आउट है जी सितंबर 2018 का। अभी ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद ही मेरी इनकम आई। पेंटर जी आप क्यों तंग हो रहे हो ब्रदर, अब कोई गेम गुम खेल लो। जस्ट 1 मिनट, हाँ जी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, अभी ऐसा नहीं है कि पूरे 2 साल बाद ही मेरा पे आउट आया, ये हर मंथ है। लेकिन मैं जहां पे आपको ग्रोथ बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, मान लो मैं सितंबर 2016 में कोई जॉब स्टार्ट करता दोस्तों 7,500 रुपए की, और 2 साल बाद मैं ज्यादा से ज्यादा कितना ग्रो हो पाता, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 12,000, 15,000, लेकिन 2.5 लाख पॉसिबल था दोस्तों। ये सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है, ये फॉरएवर में पॉसिबल है। इससे पहले मैं भी सोचता था आपकी तरह, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका प्लान सुना था, फर्स्ट टाइम मैं फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं सोचता था कि यार मेरा तो बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, मेरे पेरेंट्स तो खेती बाड़ी करते हैं, और मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है, फील्ड ही नहीं है, मैं ऐसे कर पाऊंगा, मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे माइंड में भी आपकी तरह सवाल आते थे दोस्तों, क्वेश्चन आते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे सीनियर्स कर सकते हैं, मेरी अप्लाइंस कर सकती हैं, वो मैनेजर बन सकते हैं, वो लाखों रुपया कमा सकते हैं, खुद की गाड़ियां ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वैसा ही हुआ दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स लेनी स्टार्ट की, ठीक है जी। रेगुलर मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट बनता गया, सीखता गया, लर्निंग लेता गया, धीरे धीरे लर्निंग लेते लेते मेरी अर्निंग भी स्टार्ट होगी, आगे नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और मैं, जैसा कि कुंवर सर ने आपको पीछे मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, मैंने जल्द ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया था, 2cc का बिजनेस, फिर मैं सुपरवाइजर बना, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैनेजर बना, और फिर सीनियर मैनेजर बना दोस्तों। और ये 2.25 लाख रुपया ठीक 2 साल बाद मैंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था इस सिस्टम से। और जिस मार्च 2019 का पे आउट है जी 2,03,321 रुपए, ये मेरी 12 डिजिट की आईडी है, आप चेक कर सकते हो, नाम जगतार सिंह है, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है जी। और ये आगे मई 2019 का है जी 2,38,106 रुपए, और ये सितंबर 2019 का है जी 1,74,000 रुपया। तो ऐसे अलग अलग पे आउट है, अक्टूबर 2018 का है जी 2,02,730 रुपए, ये लॉकडाउन की इनकम है मेरी, जब पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा था,
पूरी दुनिया सफर कर रही थी उस टाइम पे भी फॉरएवर मुझे इतनी अच्छी इनकम दे रही थी जी। और ये मेरा मई 2021 का पे आउट है जी 1,65,123 रुपये, और ये मेरा जून 2021 का पे आउट है जी 1,56,487 रुपये और 15,000 के नियर मुझे फॉरन से आगे जहाँ पे। और मैं मई और जून में टोटल सिर्फ दो मंथ में मैंने कितना पैसा अर्न किया जी 3,37,854 रुपये दोस्तों। तो जी इतनी सारी इनकम जस्ट मैं टू अर्न की सिस्टम के थ्रू, और जी मैंने खुद की गाड़ी बाय की 10,00,000 रुपए की गाड़ी PV52B6400 नंबर है जी। और इसके बिना मैं सिर्फ अकेला सक्सेसफुल नहीं हुआ इस सिस्टम में, जैसा कि कोबर जी ने आपको बताया ही था पहले और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरी टीम में बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, गुरजीत सर हैं, इनकी गाड़ी का नंबर आप चेक कर सकते हो जी, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं 6400 नंबर, संदीप सर हैं 8964520, और मलकीत जी हैं 2064 टॉप मॉडल बरना, प्रीत जी हैं जहाँ पे, और जसप्रीत जी हैं जहाँ पे ब्लैक क्रेटा, और जहाँ पे कुलवीर जी हैं 6400 नंबर ब्रीजा, वरिंदर जी हैं 3964 क्रेटा, और जहाँ पे कुबर सिंह बैनीपाल हैं जिनको आप अभी सुन रहे थे दोस्तों टॉप मॉडल क्रेटा एंजॉय कर रहे हैं, इतनी जय सर की, और टॉप मॉडल क्रेटा सनरूफ, कुंताज जी हैं, मैं हूं जहाँ पे, तलविंदर जी हैं, और जितने भी बहुत सारे दोस्त जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया आज अच्छे लेवल पे पैसा कमा रहे हैं और टोटल अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं जितने भी मैंने आपको सक्सेसफुल पर्सन अभी दिखाए बताए उनकी भी फील्ड पहले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, उनको भी नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, उनको नहीं पता था डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और फॉरएवर क्या है, कैसे ग्रो करेंगे। उन्होंने भी आपकी तरह फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया था, मेरी तरह फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट करना, आपने भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट करना है दोस्तों। मैंने भी एक दिन आपकी तरह फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ये सोचकर कि अपने आप को मौका देना चाहिए, खुद को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है और ये बार बार रिपीट नहीं होगी दोस्तों। और अभी आपने करना क्या है, अभी आपने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवानी है उनके पास, जिन दोस्तों ने आपको आज की इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था, और उनको बोलना है कि वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आपको शाम को 7 बजे वाला जो हमारा सेशन होने जा रहा है बहुत जबरदस्त सेशन होगा दोस्तों, और ताकि आप उसका पार्ट बन सकें, आप उसको अटेंड कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है आप उनको बोलो कि वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद आपको 7 बजे वाले सेशन का पार्ट बनाए, ठीक है दोस्तों। और आप अपने फोन में माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद आपको आगे के स्टेप आगे की ट्रेनिंग्स में बताए जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, सीखने का और सिखाने का कोई भी पैसा नहीं है, जहाँ पे नॉलेज जहाँ पे लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो फ्री में आगे अगर हमें मिलीनियर बनना सिखाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं पे होगी, इससे बेस्ट बिजनेस दुनिया में कहीं पे भी होगा। तो गलती से भी इससे मिस मत करें, क्योंकि लाइफ में चांस बहुत कम मिलते हैं, आगे बढ़ने के चांस, लाइफ को चेंज करने के मौके चांस बहुत कम मिलते हैं। आज आपके पास ये मौका है, चांस है, अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो शाम को 7 बजे वाली ट्रेनिंग का आपको पार्ट बना दिया जाएगा, और धीरे धीरे जैसे आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते जाओगे आपकी लर्निंग हाई होती जाएगी, आप सीखते जाओगे और धीरे धीरे आप वर्किंग होते जाओगे, राइट। तो मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू कुंवर सर, थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट यू।